गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे का ब्लॉग और आज है 15 फरवरी। तो आज का मौसम दिखाते हैं पहले तो हम आप लोगों को। तो धूप तो है नहीं लेकिन निकल आएगी, तो ऐसा मौसम हो रहा हमारे यहाँ पर आज का। तो सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ कई दिनों बाद। और मेरी किचन का हाल, तो सबकी किचन का हाल यही होता होगा सुबह सुबह, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए मैगी। और मैगी ही मैंने छौंका था तो मैं सोच रही थी कि आज व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि कई दिन से नहीं बना रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने तड़का लगा के बना रही हूँ छौंक के, क्योंकि ये तो वैसे भी बन जाती हैं बगैर ऑयल के, लेकिन इसमें ऑयल लगता है, कितना है, हल्का सा ऑयल लगता है और टेस्टी भी बनती हैं। और ये वो वाली ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैं खुली बनाती थी, आप लोगों के साथ शेयर करती थी, लेकिन अब यही मंगाना पड़ा। ये थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें वैसे एक मैंने बना लिया है और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग कैसे मुझे कमेंट में बताना। और आज मैं करने वाली हूँ सिलाई, और परसों भी की थी मैंने सिलाई, कल मैंने कपड़े वपड़े धोए थे। सिलाई करने लग रही हूँ, इसको छोड़कर ही मैं कभी कहीं जा रही हूँ कभी कहीं जा रही हूँ, सूट में बाजू लगाना बाकी है। और ये जो पक चुका है तो इसे आज नहीं काटेंगे, इसे काटेंगे कल धोने के बाद, तो आज इसे मैं रख देती हूँ। और ये इससे पहले तोड़ा था वो रखा है, ये थोड़ा कम पीला है, हाँ खालो खालो रखा है, तो ये हम कल काटेंगे। और ये रखी है मिर्ची, इनका डालना है अचार, डालना बाकी है। तो ये काट के धो के सब कुछ करके रखा है, वैसे से इनमें मसाला डालना बच गया जो कि मेथी मेरे पास है नहीं, तो वो मैं मंगाऊंगी। और कुछ तो चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हो चुका है 8 बजे का और इस टाइम मैं लग जाती हूँ अपनी बेटी के काम में, मतलब उसके लिए खाना बनाना, उसे तैयार करना, उसे स्कूल भेजना। तो अभी मैंने निकाला ये घी, मलाई रखी थी कई दिनों की, तो मन तो नहीं कर रहा था लेकिन निकालना पड़ा क्योंकि बच्चे घी खाते नहीं हैं, इसलिए मलाई रख देती हूँ किसी किसी दिन, इसलिए सीधा मलाई को चला लेती हूँ मैं। और इसमें निकल जाता है ये घी, घी तो खा लेते हैं, लगा के दे देती हूँ, तो फिर दूध का भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसमें से मलाई निकल जाती है। तो लेकिन अब थोड़ी गर्मियाँ आ गई तो अभी नहीं निकालूँगी। चलो तो बना देते हैं हम खाना। है इसके लिए खाना बना दिया है, सब्जी तो बनी हुई रखी है, माँ जी के पास से लेंगे। तो रोटियाँ मैंने बना दी, 4 रोटी सेकी। ओ ये सो लेके आई, ये सो क्या है? पापा, ओए पापा है, नहीं है ये, ये पाइन एप्पल है, ये ना बहुत ही ज्यादा पका है, दिख रहा है, दिखाओ कहाँ से फूट गया, दिखाओ, गीला हो रहा है। ते टिफिन में रखू पपाया? ओ देखिए तो यहाँ से खराब है, तो इसके बाबा लेके आए थे कल ये, अब इसे तैयार करूंगी खाना खिला के। टाइम हो रहा है करीब 1 बजने वाला है, बजा नहीं अभी, और मैं नहा धो ली हूँ। और ये सूट मैंने बनाया था साड़ी से, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो मैंने साड़ी से बनाया था, इस पर मैंने बॉर्डर डाला है और यहाँ भी, और यहाँ पे एक फूल आया है और बॉर्डर पे भी, तो मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। और स्कर्ट प्लाजो बनाया, स्कर्ट वाला, सो इसका तो हो गया ड्यूरेशन, लेकिन कोई काम नहीं ऐसा होता जिसे भागती हूँ ना मैं, वही मेरे सर पर आके गिरता है। तो सिलाई है जो कि मैं सोच रही थी, मुझे बहुत आलस आता है, नहीं करूँगी, तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल, लेकिन क्या करें ना, आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना सारा सिलाई पड़ा है मेरे पास में, ये तो मैंने अभी लिया है, ये चुन्नी है उसकी, और ये है इसका सूट, ये तो मैंने अभी लिया, तो मैंने खोल के देखा था इसका कपड़ा नापा था कि पूरा है या नहीं है, क्योंकि ये हमें सस्ते में पड़ गया था, 250 रुपये में दे गया एक बेचने वाला, तो डेली यूज़ के लिए ले लिया एक, तो इसीलिए थोड़ा डाउट हो रहा था कि कपड़ा पूरा है या नहीं है, तो इसीलिए खोल के देखा था नापा, लेकिन कपड़ा पूरा था, 4 मीटर है इसका कपड़ा, और सेम ही इसकी सलवार है, और इसमें चुन्नी भी है, चुन्नी भी काफ़ी हैवी है, ऐसा नहीं है कि बेकार हो, खूब लेंथ ही चुन्नी है। तो ये तो मुझे सीना ही है, ये मम्मी जी का सूट है जो कि अभी कटिंग करके सीना पड़ेगा, जो कि ये इसकी सिलाई करनी है, तो फ़ोन आ गया था। तो ये सेम मेरा जैसा है, ऐसा ही मेरा सूट था एक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने में, काफ़ी प्यारा लगता है। और ये पड़ा है फ्रॉक है जो कि फिटिंग के लिए पड़ा है,
इसका फिटिंग करना है। और एक ये सूट पड़ा है ब्लैक डेली यूज वाला, तो ये भी एक लेडीज पटक के गई, ये भी मुझे सिलाई करनी है। और अभी अभी जस्ट में ये पटक के गए हैं सूट, ये सूट हैं। एक तो ये वाला है, ये इसका सलवार है मरूम कलर का, मरूम मरूम है दिखाई ऐसा दे रहा है। और एक ये वाला है, और ये है ब्लाउज, इस ब्लाउज की भी स्टिचिंग करनी है मुझे, वो भी डिजाइन वाला। और ये सूट, तो ये इतने सारे मेरे पास पड़े हैं। और एक देखो उस पर भी रखा है, यार क्या करो समझ नहीं आता। एक दो तो मेरे भी और भी रखे हैं, लेकिन क्या करें, लिया तो करना तो पड़ेगा। तो चलो हम भी लगेंगे कैड़े होके, क्या बोलते हैं ना, कमर कस के लगेंगे और करेंगे ये सारा काम, मन तो नहीं है। तो चलो शाम हो गया और बना लेते हैं हम सब्जी। क्या बनाएंगे वो शायद अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। और अभी मैं करती हूँ अपने व्लॉग का दी एंड, सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये लड़की देखो फोन देख रही है, लेकिन अपना होमवर्क नहीं करती है।